सत्ताने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फडकवणारे सत्ताने या पक्षाचं प्रसार करणारे असं हे व्यक्तिमत्व ईश्वर सेवा या ठिकाणी जे आयोजित करण्यात आले मानव सेवा अर्जुन गंधारी साहेब यांच्या मार्फत हूँ कि आज मैं इतनी महिला के साथ हूँ और नवरात्रि का इतना स्पेशल फेस्टिवल है हमारे इंडिया में और हम यहाँ पे साड़ी भी लाइक लोगों को दे रहे हैं एंड इज दिस इट फील्स रियली गुड वुमेन एम्पावरमेंट वी ऑल आर हियर टुगेदर एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. Basically, what is the motive for, like, what is the message of Mahek Foundation? So Mahek Foundation's motive is to eradicate poverty completely from this world. Obviously, एक idea है और I feel like अगर हम सब एक साथ एक चीज़ की जगह जा सकते हैं we can achieve that. Do people help women as if for their empowerment also? Yes, we also have free education in Juhu. Our Mahek Foundation is in Juhu and we have free education and we sponsor child's fees also in Jan Seva Mandal and yeah. What message you want to give to people, you know, Mumbai kids को and पूरे इंडिया में जो देश भर में नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज देना चाहती हूँ that if you can help, you should. It's really important because your something can be someone's everything. आपका कुछ किसी के लिए सब कुछ हो सकता है, तो आपको हमेशा एफर्ट करनी चाहिए. पिंकी पंजाबी जी, आप भी यहाँ पर आए हो, you know, मंडल के द्वारा जो उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना? ये शिव शक्ति मित्र मंडल, ये काफ़ी दिनों से मैं देखती हूँ क्या इनके ये कार्यक्रम जो होते हैं, गणपति उत्सव और माता जी का उत्सव, गरबा, ये सारा बहुत अच्छे तरीके से इन लोग करते हैं. काफ़ी सालों से मैं देखते आई हूँ और आज जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है साड़ी वाटअप का, ये बहुत अच्छा है. गर्ल्स औरतों को मदद करना, वुमेन एम्पावरमेंट, और उनके लिए अगर हम कुछ थोड़ा सा भी कर सके तो बहुत गौरव की बात है. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं एक फाउंडेशन दाउलिन जी यहाँ है, मेरी पूरी इंटायर यहाँ पर थोड़ी सी टीम आई है मेरी, इतने सारे लोग आए हैं मेरे लिए और 5 मिनट 10 मिनट के अल्टीमेशन पर इन लोग सारे लोग मेरे साथ आए हैं. हमको सुबह से पता नहीं था, अचानक फ़ोन आया अशोक जी का और पता चला. तो थैंक यू सो मच फॉर माई एंटायर टीम एंड बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं भी करते आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें जहाँ होती है. तो मैं नहीं जाना होता है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आई क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम है ये. कहना चाहते हो नवरात्रि का जो उत्सव यहाँ पर हर साल की तरह रखा गया है? सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा. हर साल की तरह इस बार भी फुल जल्लोश में हमारे अर्जुन भाई ने ये फंक्शन यहाँ पर रखा हुआ है. ये एक फंक्शन इनके परिवार ने कई सदियों से यहाँ पे रखे जा रहा है और यहाँ पे जानना जाता हुआ चलता हुआ बच्चा बच्चा इनको जानता है. कितने सुखपद्री ये कार्यक्रम करना चाहते करते हैं हर साल. यही नहीं तो आपको अगर बताना चाहूँगा, अगर आपने ये 14 करोड़ में आप बच्चे बच्चे को पूछोगे तो 90वें दिन पर यहाँ पर 10,000 लोगों का लंगर भाई लगाते हैं. छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर. फंक्शन रखा गया है सर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब से मैं छोटा था मेरी फैमिली शिव शक्ति मंडल के साथ जुड़ी हुई है और आज मैंने ये फर्स्ट टाइम कार्यक्रम रखा है जिसमें हम नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं और हम जो लेडीज़ है, जो हमारे सामान्य नागरिक है, उनका हम 9 दिन यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे हम यू नो फ्री पानी, बिस्किट और साड़ी का वाटअप कर रहे हैं टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट. सर, हर साल यहाँ पर हज़ारों की भक्तों की भीड़ होती है सर,
कितनी श्रद्धा जुड़ी है यहाँ पर, जो पंडाल हर साल लगता है यहाँ पर हार्वेस्ट में? बहुत बहुत श्रद्धा है यहाँ पे। हमारे पंडाल के अध्यक्ष रामदनी जी भी है साथ में, और यहाँ पे मैं बचपन से आते जा रहा हूँ। ये जो 14th रोड है, ये एक सिंधी पंजाबी कम्युनिटी का एरिया है, और मैं इस एरिया में पला बड़ा हूँ, और आज मुझे बहुत गर्व है कि मुझे इस एरिया में सेवा करने का मौका मिल रहा है। ऐसी सर आपकी कौन सी ऐसी जो मन्नत थी, या यहाँ पर जो लोगों की मन्नतें पूरी हुई थी, आपकी जो विश मनोकामना पूरी हुई है? लोग बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं यहाँ पर बहुत। और नवरात्रि, देखिए धरती को हम माँ बोलते हैं, और आज माँ का त्यौहार है, तो माँ के त्यौहार में अगर हमें कुछ भी सेवा करने का मौका मिलता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा कर्म और धर्म है, मैं ये मानता हूँ। और बचपन से मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत इंक्लाइंड हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज माता ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पे सेवा कर पाऊँ। सेवा करने का एक जो मानवता का जो धर्म हम जिसे कहते हैं, वो सेवा ही मानवता धर्म है। कितना आपको ब्लेस फील होता है गरीबों की मदद करते हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी यहाँ पे पूरी टीम बैठी है, मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को जोड़ने को, और अगर हम आज सामान्य नागरिक की सेवा करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी यही हमें बोला करते हैं कि सामान्य नागरिक की सेवा होनी चाहिए, तो आज अगर हमें वो करने का ये कर्तव्य मिलता है, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तमाम मुंबईकर और देशवासियों को नवरात्रि के जो उत्सव है अभी चालू हुआ, उस पर क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं सर आप? मैं सबको एक बहुत ही हैप्पी, ब्लेस्ड और प्रॉस्परस नवरात्रि विश करता हूं, और अगर आपको समय मिले तो प्लीज़ यहां पे आइए और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहते हो, कई सालों से सर आप यहां पर मंडाल की सेवा कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो? मैं अच्छे से सेवा, मन से सेवा करके सबको आशीर्वाद देता हूँ, और जिसको आशीर्वाद लगता है वो बार बार चल के आता है माता जी के पास। ओके okay.